students we will study about the chapter of social studies that is history chapter number one where when and how so let's start the remaining paragraph. moreover the british preserved all the important documents for this period they set up records room along with all administrative institution like collect collector rates secretaries.

और इसी कारण से इन्होंने क्या है कि एक रिकॉर्ड रूम सेटअप किया था ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो भी प्रशासन संस्थान यहाँ पर बनाए गए थे जैसे कलेक्ट्रेट्स सेक्रेट्रेट्स और लॉ कोर्ट तो वहाँ पर क्या है इन संस्थानों में ये डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखे जाते थे और म्यूजियम एंड आर्चरी जो आर्चीव्स जो थी वो भी इसी कारण से सेटअप किया गया था ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पर इन uh, स्रोतों का जो इंफॉर्मेशन है जानकारी है वो इस समय काल में रखी गई लिटरेरी सोर्स यानी कि साहित्यिक स्रोत वी हैव एन्यूमरेबल लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड कंप्राइजिंग ऑफ न्यूज़ पेपर्स जनरल्स प्लेज नॉवल्स लेटर डायरीज बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज लार्ज नंबर ऑफ़ नेशनलिस्ट न्यूज़ पेपर्स लाइक द हिंदू अमृता बाजार पत्रिका केसरी एक्सेट्रा वर पब्लिश्ड यहाँ पर जो है असंख्य Uh, जो साहित्यिक स्रोत जो हैं यहाँ पर इस समय में शामिल किए गए uh, न्यूज़पेपर के के uh, जिसमें जनरल्स प्ले नॉवल्स लेटर्स डायरिया बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी थी बहुत बड़े मात्रा में जो राष्ट्रीयता के न्यूज़पेपर थे जैसे कि हिंदू अमृता बाज़ार पत्रिका केसरी वो भी शामिल किए गए और इसे पब्लिश किया गया था अब इन दिस न्यूज़पेपर्स द ब्रिटिश पॉलिसीज़ वर क्रिटिकाइज ओपनली पुटिंग फोर्थ द पॉइंट्स

अब यहाँ पर क्या है आ, जो इसमें न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई काफ़ी सारी ब्रिटिश की नीतियाँ ठीक है ओपनली रूप से अपना इंडियंस के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा उन्होंने बहुत सारे नॉवल्स ऐसे पोएम भी उन्होंने उसके प्रति भी जागरूकता लाई और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीयता राष्ट्रीय वो थे लेखक इस समय में जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर बंकिमचंद चटर्जी जिन्होंने बंगला में विष्णु शास्त्री चिंपलुंग लिखा वो जो है और एक मराठी जो राइटर थे ठीक है जिन्होंने भारतेंदु हिंदू हरीश चंद्र जिन्होंने लिखा था हिंदी में हिंदी और सुब्रमण्यम भारती और एक तमिल राइटर थे ठीक है तो राइटर्स लाइक प्रेमचंद्र एंड सरस्त सरत चंद्र चटर्जी रोट अबाउट द पुअर एंड ऑपरेस पीपल ऑफ़ रूरल इंडिया यानी कि राइटर्स थे जैसे कि प्रेमचंद्र और शरद चंद्र चैटर्जी जिन्होंने गरीब लोगों के बारे में और उत्पीड़ित लोगों के बारे में जो ग्रामीण लोगों से संबंधित थे उनके बारे में लिखा वी ऑल्सो हैव डायरीज़ ऑफ़ पीपल एंड ऑटोबायोग्राफीज़ ऑफ पब्लिक फ़िगर्स न्यूज़ पेपर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पोलिटिकल एंड सोशल अफेयर्स यानी कि यहाँ पर जो उनके पास डायरी भी थी लोगों की जिसमें और ऑटो बायो बायोग्राफीज थी जिन्होंने पब्लिक फ़िगर के बारे में उसमें लिखा कि किस तरह से यहाँ लोग हैं रहते हैं उनका रहन सहन कैसा है उनके बारे में लिखा और न्यूज़पेपर भी यहाँ का महत्वपूर्ण स्रोत था जानकारी का जिसमें राजनीतिक और सामाजिक अफेयर्स यानी कार्यक्रमों के बारे में लिखा जाता था बिसाइड्स लिटरेरी सोर्सेस फोटोग्राफ्स पेंटिंग्स मैप एंड स्टैचूज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड द गिवर्स अ ग्लिपस ऑफ सोसाइटी लाइफ स्टाइल ड्रेस एंड कल्चर ऑफ दोज टाइम ऑलविंग Allowing us to understand how Indian society and culture was getting transformed due to the British influence, यानी कि एक तरफ जो साहित्य स्रोत है जहाँ पर फोटोग्राफ पेंटिंग्स मैप स्टैचू भी यहाँ का महत्वपूर्ण स्रोत था जानकारी का इस पीरियड समय में अब ये हमें जो है एक झलक दिखाते थे समाज की एक लाइफस्टाइल, ड्रेस कल्चर बताते थे कि वहाँ की वेशभूषा कैसी है संस्कृति कैसी है सं, उनका सन वो कैसा है तो ये सब कल्चर रीति रिवाज़ वगैरह ये सब बताते हैं उस समय में जो हमें अनुमति देता था उस भारतीय सभ्यता या समाज को समझने की तो ये काफ़ी इसमें बदलाव आया था और ये भी कारण था कि ब्रिटिश ने काफ़ी प्रभाव प्रभावित किया था इन्हें नेक्स्ट है सर्वेज एंड सेंसस यानी कि सर्वेक्षण और जनगणना द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग इंडिया इन ऑर्डर टू नो द कंट्री Popularly, the Office of Surveyor of India was set up in Dehradun which prepared detailed map of villages, towns, mountains and coastal areas. Map of villages, towns, roads, rivers and mountain ranges were also made. These surveys and maps gave us a detailed information about the flora, fauna, crops, soil and topography of India. अब यहाँ पर ब्रिटिश ने पहचान करवाई सर्वे की प्रैक्टिस अभ्यास किया गया भारत में देश को जानने के लिए प्रॉपरली ऑर्डर दिया गया ऑफिस की तरफ से सर्वे भारत में किया गया और वो देहरादून में सेटअप किया गया जिसमें प्रिपेयर डिटेल प्रिपेयर की गई तैयार की गई जिसमें मैप ऑफ विलेज थे गाँव का मैप था शहरों का मैप था माउंटेन और कोस्टल एरियाज का मैप था अब जो गांवों का मैप था शहरों का रोड का रिवर का पर्वत का जो क्षेत्र थे तो वो भी बनाए गए उसमें और इस सर्वे में जो मैप दिए गए थे जैसे तो उसमें जानकारी दी गई थी वनस्पति पशु और खेती की मिट्टी की और स्थलाकृति की जो भारत